पंजाब के अमृतसर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। पठानकोट से अमृतसर जा रही ट्रेन दुर्घटित हो गई है। इस हादसे में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। हादसा चौड़ा बाजार के समीप उस समय हुआ जब ट्रेन पटरी के पास रावण का पुतला जलाया जा रहा था, जिसे देखने के लिए लोग ट्रैक के पास जमा हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन हादसे में भीड़ के ऊपर चढ़ गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और एडीजी लोगों को तत्काल अमृतसर जाकर घटनास्थल का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने मरने वालों के परिजनों 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। इसके साथ घायलों का मुफ्त इलाज करने की भी घोषणा कर दी गई है। वहाँ पीएम मोदी ने हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया और कहा कि यह हादसा दिल दहलाने वाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान हादसे में मरने वालों के खिलाफ शांति प्रदान करे। उन्होंने अपने अधिकारियों को तत्काल जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए कहा। हादसे में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। हादसा होते ही घटनास्थल पर भगदड़ मच गई। हादसा अमृतसर के चौड़ा फाटक के पास हुआ है। UMS न्यूज अमृतसर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप ये न्यूज UMS न्यूज इंडिया .com के YouTube चैनल पर देख रहे हैं। पेज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। अचानक आई ट्रेन एक लोग भीड़ के ऊपर चढ़ती चली गई और जिसमें हादसे में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे। इसमें किसकी घोर लापरवाही है ये देखना अति आवश्यक है। जांच का विषय है और जांच होनी अनिवार्य है।